हे गाइस, आप सभी का स्वागत है आज के नए व्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आप लोग को दिखाने वाला हूँ दंतेश्वरी माता मंदिर, जो कि है दंतेवाड़ा में। दोस्तों, दंतेश्वरी माता मंदिर को 92 शक्तिपीठ में से एक माना जाता है। तो दोस्तों, माना जाता है कि माँ सती का दांत यहाँ पर गिरा था, इसलिए इसे दंतेश्वरी माता के नाम से जाना जाता है। तो मैं आप लोग को वीडियो के माध्यम से माँ दंतेश्वरी मंदिर का दर्शन कराने वाला हूँ, तो वीडियो में बने रहिएगा। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो दोस्तों, दंतेवाड़ा की दूरी बस्तर से 92 किलोमीटर की है और जगदलपुर से 84 से 85 किलोमीटर की है। तो चलिए गाइस, चलते हैं। तो दोस्तों, इधर बहुत घने घने जंगल है, पेड़ पौधे हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही सुंदर दृश्य। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ से ट्रेन आने वाली है, तो हम लोग रुके हुए हैं। देख लो गाइस, ट्रेन आ रही है। तो दोस्तों, अब सिग्नल खुल रहा है, तो चलिए गाइस, चलते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों, हम लोग फाइनली पहुंच गए हैं दंतेवाड़ा मंदिर के पास। हम लोग गाड़ी को यहीं पास पार्क करते हैं और आप लोग को मैं ले चलता हूं मंदिर की ओर। तो दोस्तों, यहां पर कॉरिडोर का निर्माण कार्य चल रहा है, क्योंकि यहां नवरात्रि के समय में श्रद्धालुओं की बहुत भीड़ लग जाती है, इसलिए भीड़ को कंट्रोल करने के लिए कॉरिडोर का निर्माण किया जा रहा है। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हो, इधर बहुत सारे फैंसी एवं पूजा की सामान है, देख सकते हो गाइस आप लोग। दोस्तों, मेरे सामने आप लोग जो मूर्ति देख रहे हो, वह है शंकर भगवान का, अभी नया बन रहा है। तो गाइस, इधर बहुत सारे नारियल एवं प्रसाद की दुकानें हैं, देख सकते हो आप लोग।
दोस्तों यहाँ पर मंदिर का प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो गाइस मेरे राइट साइड में है प्रसाद काउंटर। तो गाइस आप लोग देख सकते हो हमारा तिरंगा किस तरह लहरा रहा है। तो दोस्तों माता का मंदिर डंकनी और संखिनी नदी के बीच में स्थित है। तो दोस्तों आप लोग मेरे सामने जो नदी देख रहे हैं वह है संखिनी नदी, देख सकते हो गाइस आप लोग। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ माता के मंदिर की ओर। देख सकते हो गाइस माई का झंडा किस तरह लहरा रहा है। तो दोस्तों मेरे सामने आप लोग भगवान शिव का शिवलिंग देख सकते हो। गाइस हमारे सामने एक और शिवलिंग है और माता का प्रतिमा है। तो दोस्तों अब मैं आप लोग को ले चलता हूँ मुख्य मंदिर की ओर। तो दोस्तों मेरे सामने आप लोग जो देख रहे हैं वह है गरुड़ स्तंभ। तो दोस्तों यह मंदिर 14वीं शताब्दी का है। तो दोस्तों यहाँ पहले नर बलि दी जाती थी जो अब नहीं दी जाती है। तो दोस्तों मंदिर के अंदर कैमरा ले जाना मना है। तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो
किसी ने नई गाड़ी लिया हुआ है तो माता के मंदिर में पूजा कराने के लिए लाया गया है। तो दोस्तों, मेरे सामने आप लोग जो गरुड़ स्तंभ देख रहे हैं उसे अपने हाथ में समा लेने से उसकी मान्यता जरूर पूरा होती है। तो दोस्तों, आप लोग को वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। और आप लोग चैनल में नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। अच्छा, हमको सिखा दिया है, ताकि हमारे वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।